क्वेश्चन नंबर 21 श्री पुष्पेंद्र सिंह चंदेल। महोदय, मेरे प्रश्न का जो कि देशी गौवंश के दूध से के उत्पादन से संबंधित है, माननीय मंत्री भारत सरकार ने बहुत अच्छा उसका उत्तर दिया है। भारत सरकार उस दिशा में बहुत काम कर रही है। मैं बुंदेलखंड क्षेत्र से आता हूं माननीय अध्यक्ष। माननीय पहले प्रश्न संख्या बोले, प्रश्न संख्या 21। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, देसी गोवंश से जो उपलब्ध दूध है उसकी निरंतर उस पर कमी आ रही है। भारत सरकार ने बड़ा उस पर क्रांतिकारी कदम उठाया है और पूरे देश में हर जगह देसी गोवंश के दूध उत्पादन को लेकर के अनेक प्रकार के प्रयोजन किए हैं। बहुत माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है। बड़ी अनेकों योजनाएं चल रही हैं। मेरे बुंदेलखंड क्षेत्र में भी हर जगह गौशालाएं खोली गई हैं और ए टू मिल्क जिसकी पूरी दुनिया में पूरे देश में बहुत नितांत आवश्यकता महसूस की गई है, विशेष रूप से कोविड के दौरान जब भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत क्रांतिकारी कदम जो पोषण अभियान चल रहा है, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से के माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ, क्या हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में ए टू मिल्क? सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, ये प्रश्नकाल है, आपको प्रश्नकाल पे पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दूंगा मैं। आप चर्चा करने के लिए आए यहाँ पर तो चर्चा कीजिए, सदन में अच्छा सकारात्मक संदेश जाना चाहिए। प्रश्नकाल पर आप हंगामा करते हैं उचित नहीं है, नो गलत है आपका। आप प्रश्नकाल पर चर्चा करिए, प्रश्न पूछिए, इतने महत्वपूर्ण सवाल है। महोदय, विपक्ष की जो ये करतूत जो दिख रही है, किसानों की बात करते हैं, बुंदेलखंड के किसानों का भला इस मोदी सरकार ने किया है? हमारे यहाँ पानी की जो कमी थी उसको लेकर के जितने भी वहां पर जो व्यवस्थाएं की हैं, आज के पहले कभी आजादी के बाद कभी नहीं हुई। अभी वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री जी कहे थे 60,000 हेक्टेयर जमीन हमारे क्षेत्र में सिंचित हुई, और उन्हीं से जुड़ा हुआ प्रश्न है। गोवंश को चारा नहीं मिलता था, पीने को पानी नहीं मिलता था, भारत सरकार को ट्रेन से पानी भेजने की सोचती थी पहले जमाने में, पहले भाजपा सरकार के पहले। माननीय महोदय, मैं आपसे निवेदन करना, आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो देशी गोवंश का जो ए टू मिल्क है, क्या हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में भारत सरकार जो प्रधानमंत्री जी का जो महत्वाकांक्षी जो योजना है पोषण अभियान, कि हर व्यक्ति को पोषण मिल सके, हर बच्चे को मिल सके, क्या ए टू मिल्क देशी गोवंश का राशन के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराने की योजना है? माननीय अध्यक्ष जी, सुझाव अच्छा है माननीय सदस्य का। ए टू मिल्क की महत्व है बहुत पूरे देश में, और आज के दिन अगर आप देखेंगे तो शहरों में एक अलग कल्चर पैदा हुई है ए टू मिल्क के लिए, चाहे उसका दूध हो या घी हो। कुछ प्रदेश सरकारों ने प्रयास भी किया है, गुजरात में प्रयास हुआ है कि दूध भी राष्ट्रीय पोषण में दिया जाए, ये लेकिन ये कार्य उत्तर प्रदेश सरकार का है। अभी उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए कोऑपरेटिव बनाने के लिए एक स्कीम, जायका स्कीम, केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अगर बुंदेलखंड के ए टू मिल्क के लिए अलग से कोई प्रदेश सरकार से प्रस्ताव आता है नई कोऑपरेटिव बनाने का या मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी बनाने का, तो केंद्र सरकार जायका के माध्यम से उसमें मदद कर सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रयास कर सकती है, उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में हमारे क्षेत्र में हर प्रति गौपालक को 900 रुपए प्रति माह के हिसाब से दिया जा रहा है। देशी गोवंश का बहुत अच्छे से संरक्षण हुआ है। हमारे यहाँ जो अन्ना की समस्या थी, जिसको लेकर के कि मैं पिछली बार प्राइवेट मेंबर बिल भी लेकर के आया था, आपने बड़ी सकारात्मक बहस कराई थी अध्यक्ष महोदय, मैं उसी विषय में बात करना चाहता हूँ। हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र बहुत फैला हुआ क्षेत्र है, एक गांव से दूसरे गांव की दूरी बहुत ज़्यादा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो देशी गोवंश को जब कोई बीमारी होती है उसको चिकित्सालय ले जाने में बड़ी असुविधा होती है, जब उस गोवंश को ले जाना पड़ता है और दूरी ज़्यादा होती है तो इलाज नहीं हो पाता है,
मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, क्या भारत सरकार की ये योजना है कि उन चिकित्सालयों को हर गांव में या गांव के नजदीक नजदीक जहां पर दूरी ज्यादा है, हर गांव में किसानों को उनके गौवंश के इलाज के लिए वहां पर उपलब्ध कराने की भारत सरकार की कोई योजना है? माननीय अध्यक्ष जी, आजादी के बाद पहली बार एक बहुत अच्छी स्कीम आई है, मोबाइल वेटनरी वैन की, क्लिनिक की कह सकते हैं आप। 2980 मोबाइल वेटनरी क्लिनिक पूरे देश में दिए जा रहे हैं। 476 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराए हैं, उसमें से 520 मोबाइल वेटनरी क्लिनिक उत्तर प्रदेश के लिए दिए गए हैं। और मुझे उम्मीद है कि इन मोबाइल वेटनरी क्लिनिक के माध्यम से बुंदेलखंड जैसे जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनमें पशुपालकों को, जो गरीब पशुपालक हैं, उनके इलाज की सुविधा मिलेगी। और इन मोबाइल वेटनरी क्लिनिक को चलाने के लिए के 60-40 के उसमें प्रदेश और केंद्र सरकार आगे मदद करेंगी। और ये इतनी बेहतरीन स्कीम है, मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में एक गरीब पशुपालक के लिए इससे बेहतर कोई स्कीम नहीं हो सकती थी।